वेल हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो सीरीज़ है V6 इंजन की सीरीज़ है, जिसमें हम लोग ये वाला इंजन हम लोग बनाएंगे। तो अभी तक मैंने ये वाला पिस्टन बनाना सिखा दिया है, ये वाला कनेक्टिंग रोड मैंने बनाना सिखा दिया है। आज हम लोग ये वाला पोर्शन हम लोग बनाएंगे, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो वो हम लोग बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये बेसिक सा ड्राइंग मैंने ड्रॉ किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी उसको बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये वाली प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ये वाली प्रोफाइल सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो ये वाली प्रोफाइल बनाने के लिए हम लोग ये वाली ड्राइंग हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये वाला डायमीटर 72 mm डायमीटर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो स्केच में जाइए, फ्रंट पेन पर जाइए, यहाँ से यहाँ तक कितना 72 mm, इजी, ओके। द नेक्स्ट इज यहाँ पे 44 mm नीचे आ जाना है, और एक और सर्कल 72 का ही हम लोगों को ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन 44 mm नीचे, ठीक है, एंड फिर से 72 mm का। द नेक्स्ट इज ये वाले पोर्शन से 80 mm की रेडियस हम लोगों को ड्रॉ करनी है। तो हम लोग एक सर्कल ले लेंगे यहाँ से, और 160 mm का एक बड़ा सर्कल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। बड़ा सर्कल ड्रॉ कर देने के बाद एक दो लाइनें बनानी है, जिसके बीच के डिग्री 31.41 है। यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन पे, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंट हो इसके। यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके टेंजेंट है। दोनों के बीच का एंगल 31.41 दे देंगे, ओके। अब ये सेंटर लाइन क्या, ये जो सेंटर लाइन है उसके अबाउट सिमेट्रिक का रिलेशन दे देंगे। द नेक्स्ट इज ट्रिम एंटिटी पे क्लिक करेंगे, इतना पोर्शन हम लोग ट्रिम कर देंगे, इस वाले पोर्शन को कंस्ट्रक्शन कर देंगे। पिक्चर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, और इतना पोर्शन एक्सट्रूड करेंगे जो करीबन 15 mm का होगा, 15 mm का होगा, ओके। तो आपके सामने ये वाला पोर्शन रेडी हो चुका है, ये वाला फर्स्ट पोर्शन। द नेक्स्ट इज 32 mm का डाया है, 32 mm का डाया है, और वो सॉरी 72 mm का डाया है, 38 mm लंबा है, 72 एंड 38। स्केच पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, दाया है 72, एक्सट्रूड 36, ओके। द नेक्स्ट इज 54 का डाया है ये वाला पोर्शन, एंड उसका नाप है, ये है 54, 54 एंड 76, ओके। स्केच में जाएंगे, इधर जाएंगे, ओके, वो नीचे की साइड ड्रॉ करना है, डिलीट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक पॉइंट आ चुका है, आ जाएगा, स्मार्ट डायमेंशन 54 mm। फीचर्स में जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 76 mm, क्लिक ऑन, ओके। अब जैसा इधर है वैसा ही इधर बनाना है, तो उसके लिए मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। जाएंगे रेफरेंस प्लेन में, प्लेन पे क्लिक करेंगे, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन, ओके। तो मिडल में एक प्लेन बन जाएगा। अब इस वाले प्लेन को सिलेक्ट ही रखना है। अभी जाएंगे लीनियर पैटर्न में, मिरर पर क्लिक करेंगे,
ये जो मर्ज बॉडी वाला ऑप्शन है वो हटा देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ओके, तो इतना पोर्शन हो जाएगा मिरर, हो चुका है। तो नेक्स्ट इस ये वाला दो पोर्शन यहाँ तक हो चुका है, अब ये वाला पोर्शन हम लोगों को बनाना है। तो जाएंगे फिर से रेफरेंस प्लेन में, मिडल में एक रेफ प्लेन बनाएंगे, जाएंगे अब फिर से मिरर में, अब ये वाला पूरा वो पूरा हो जाएगा मिरर, ये वाला पूरा का पूरा हो जाएगा मिरर। तो ये वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ओके, तो इतना पोर्शन मिरर हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग एक नाम लेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों अपर के अपर साइड है और ये लोअर साइड है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। उल्टा अब कैसे करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितना mm वो दूर है वो हम लोगों को मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ये फेस होगा वो हम लोगों को चाहिए कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये है 15, ये है 76, ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 36 mm, जो 36 नहीं है 38 है 38। तो यहाँ पे हम लोग 38 पे क्लिक, 36 की जगह पे 38 होगा, क्लिक करो, तो ये 38 हो गया, ये इतना हो चुका है। और ये वाला पोर्शन कितना है वो देख लेंगे, वो भी 38 mm है, तो मेजर में जाके दोनों के बीच का नाप 38 आना चाहिए, ठीक है, तो बढ़िया है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 182, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है अगर देखें तो ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, तो 182 में हम लोगों को उसको रिवोल्यूट करना है। तो मूव में जाएंगे, क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, मूव बॉडी पे क्लिक करेंगे, जेड के अबाउट 182 पर माइनस में, ठीक है, अभी 0-0 रखते हैं, यहाँ पे 0-0 रखते हैं। बॉडी और मूव, कौन सी बॉडी को मूव करना है, ये वाली बॉडी को मूव करना है, इसको रोटेट करना है, इसको भी रोटेट करना है, ठीक है। अब -182 है तो हमने वो अपने आप उसने हिसाब से ले लिया, एक्स के अबाउट रोटेट करना है, एक्स के अबाउट यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है उसके अबाउट रोटेट होगा और उल्टा हो जाएगा, कितना में 180 डिग्री उल्टा हो जाएगा, एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरह से वो जो सीधा पोर्शन था वो उल्टा हो चुका है, आपके सामने देख सकते हो बहुत ही इजीली। तो हमने कहाँ तक हमने कर दिया है अभी, मेरे हिसाब से ये देखो ये दो हो चुका है, ये दो हो चुका है, उसके बीच में स्मॉलर पोर्शन, और वापस ये दो हो चुका है, उसके बीच में स्मॉलर पोर्शन। अब ये वाला बनाना है, तो बनाना तो इजी है, स्केच में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, वापस यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करने के बाद फिर से इधर नहीं करना है, सॉरी, स्केच में जाने के बाद बॉडी हम लोगों ने कौन सी मूव की, पहले हमने कोई ये बॉडी बनाई, तो यहाँ पे स्केच करना है, तो कन्वर्ट एंटिटीज पे जाएंगे, इतना पोर्शन हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कन्वर्ट एंटिटीज में जाके इतना पोर्शन हमने कन्वर्ट कर दिया। एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, 15 mm का एक्सट्रूड करना है, ठीक है, तो इतना पोर्शन वापस रेडी हो चुका है। अब कहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है, तो नेक्स्ट इज 76 mm हमको एक्सट्रूड करना है, 54 का 76, जाएंगे स्केच में, इधर क्लिक करेंगे, कहाँ की साइड करना है, तो नीचे की साइड करना है, यहाँ से देखेंगे, तो
यहाँ पे क्लिक करेंगे, गिव द डायमेंशन 54, फीचर्स में जाके एक्सट्रूड करना है 76 mm, क्लिक करो। तो इतना पोर्शन आपके सामने रेडी हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। द नेक्स्ट इज वापस ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। तो रेफरेंस प्लेन में जाएंगे, दोनों के बीच में क्लिक करेंगे, जाएंगे मिरर में और फीचर्स मिरर करेंगे। फीचर्स में जाके ये वाला पोर्शन हम लोगों को मिरर कर लेना, ठीक है, बहुत ही इजी काम है। तो इतना हो चुका है। द नेक्स्ट इज 38 mm एक्सट्रूड करना है 72 का। तो स्केच में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक, फिर से एक्सेट कर रहा हूँ मैं, कहाँ तक बनाया है, प्लेन 5 तक बनाया है, ओके। स्केच में ये बुल से ये प्लेन 6 क्रिएट हो चुका है। स्केच में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे होगा 72 mm का 38 mm लंबा, 72 का 38 mm उसकी, ओके। हम लोग दूसरी साइड ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो चुका है। स्केच में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर एंड डायमेंशन, यहाँ पे सॉरी सर्कल को हटा दीजिए, स्मार्ट डायमेंशन में जाके दीजिए 72 mm डाया। फीचर्स में जाइए, एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए और 38 mm लिख दीजिए, क्लिक ऑन। तो इतना पोर्शन रेडी हो चुका। तो यहाँ तक तो हमने बना दिया, पर ये वाला स्मॉलर पोर्शन अभी बनाना बाकी है। तो वो कितने का है, 32 का है, 32 का 80 mm लंबा। वो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसका मिरर पोर्शन ये आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने पहले ये बना लिया, ये वाला नहीं बनाया। अगर बना दे तो इसका मिरर पोर्शन इधर आया, इसलिए लास्ट में बना रहा है। स्केच में जाने के बाद यहाँ पे स्केच पे क्लिक करेंगे, वो होगा कितना होगा, 32 mm। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे एंड 32 mm पे क्लिक, 32 mm व्यू डायमेंशन देने, इसको एक्सट्रूड करेंगे और 80 mm लंबा कर देंगे। कितना एम एम है, 80 mm, एंड 80 mm दे देंगे इधर, क्लिक ऑन, ओके। फीचर्स प्लेन को बंद कर देंगे, हाइड कर देंगे यहाँ से, जो प्लेन आपके सामने दिखा है वो हाइड हो चुका है। तो आपका कनेक्टिंग रोड अभी रेडी हो चुका है। द नेक्स्ट इज हम लोगों को रेडियस देनी है R3, जहाँ जहाँ पे साफ्टिंग जहाँ पे भी ख़त्म होती है वहाँ पे हम लोगों को रेडियस देनी है। तो रेडियस के लिए जाएंगे फिलेट में एंड 3 mm की हम लोग फिलेट दे देंगे, जहाँ जहाँ पे साफ्ट ख़त्म होती है वहाँ वहाँ पे हम लोग फिलेट देंगे 3 mm। ये 3 हो चुका है, वापस फिलेट देंगे 3 mm की यहाँ पे, यहाँ पे अंदर की साइड है, बाहर की साइड देनी है, थ्री एम एम, ओके। तो यहाँ पे नहीं देते हैं, फिलेट लिखिए, मर्ज बॉडी हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे हम लोग फिलेट हम लोगों को नहीं देनी। तो जहाँ जहाँ पे भी आउटसाइड फिलर मिल रही है वहाँ पे हम लोग कर देंगे फिलर फिलेट। तो फिलेट लिखिए,
तो इतने फिलेट दे देंगे, और आपके सामने ये वाला पोर्शंस अभी रेडी हो चुका है। ये है क्रैंकशाफ्ट, और इस वीडियो में हमने क्रैंकशाफ्ट बनाना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और इंजन की सीरीज हम लोग सीखेंगे, जिसमें पिस्टन रिंग बनाएंगे और पिस्टन पिन बनाएंगे, जैसे गर्जियन पिन भी बोलते हैं, वो हम लोग बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब एंड शेयर।